के दिनों में लालू जी की सरकार आई, नीतीश जी सरकार में आए, दोनों पिछड़ों की सरकार थी और दोनों सरकार इस मामला को खेत में रखवाल होता है ना डंडा ले खड़ा, उस खेत में सांड चरने नहीं आता और जिस खेत में कोई नहीं रहता उसी खेत में चरता है। तो आपका कोई रखवाले नहीं था तो क्या हुआ, चरा भैर में। क्योंकि आपका नेता घाटा नफा देकर डिसीजन लेगा, ऐसा करने में जिस दिन धानु सफल होगा उस दिन धानु का राज हो जाएगा। सर युवा जग रहे हैं, जो लेबुल होता है ना हमारे पीठ पर कुर्मी के लेबुल साट दिया और जितना हमारी पूंजी है कुर्मी के नीतीश बेच लिया पटना और दिल्ली में। अच्छा भगत जी को जिस पर कहेगा हम भी धानु के नेता हैं, हम जिसको चाहेंगे उसको धानु का वोट मिलेगा, उस दिन सब केस खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। चलिए नमस्कार, आप देसी बिहार देख रहे हैं। देसी बिहार लगातार धानुक समाज से हो रहे शोषण का लगातार वीडियो जारी कर रहा है। 19 राज्यों में जिस तरह से धानुक समाज को SC ST कास्ट का दर्जा प्राप्त है, मगर बिहार में क्यों नहीं। हमारे साथ रामबदन राय जी है जो पूर्व MLC है JDU से, उनसे पूछते हैं आखिर बिहार में क्या क्रोनोलॉजी चल रही है, आखिर जो धानुक समाज बिहार में 10% से ज्यादा है उसका इस तरह का क्यों नहीं अधिकार मिल पा रहा है। सर सबसे पहले सर स्वागत है आपका देसी बिहार में। देखिए जो आप सवाल उठाए हैं ये सवाल बहुत पुराना है। 1986 में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी को एक चिट्ठी लिखे थे कि देश में के सभी राज्यों में धानुक समाज अनुसूचित जाति में है, इसलिए बिहार के धानुक को भी अनुसूचित जाति में के सुविधा दिया जाए। चूँकि उन्होंने लिखा कि मैं नज़दीक से जानता हूं कि ये जात गरीब जात है, भूमिहीन जात है, मजदूरी पर निर्भर करता है, जब तक इस जात को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलेगा तब तक इसका कोई समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से कर्पूरी जी मर गए, बाद के दिनों में लालू जी की सरकार आई, नीतीश जी सरकार में आए, दोनों पिछड़ों की सरकार थी और दोनों सरकार इस मामला को दबा दिया। यदि कैबिनेट से पास करके भारत सरकार को देता जो बिहार के धानु के साथ अन्याय हो रहा है, अन्य राज्य के सुविधा है इसको दीजिए, क्योंकि जो आधार था 1935 के इंडिया एक्ट जो अंबेडकर जी ने अंग्रेजों के समक्ष पेश किया था, उस एक्ट में दुसाध के चमार के कानून क्या कहते हैं डोम के मुसहर को इन लोगों को धानुक को अनुसूचित जाति में रखे थे अंबेडकर। कोई आज मांग रहा है धानुक सो बात नहीं, अंबेडकर के सूची में ही धानुक अनुसूचित जाति, साजिश के तहत बिहार के धानुकों को उससे अलग कर दिए गए। अब यहाँ के लोग लड़ रहा है, यहाँ के नौजवान बातों को समझा है, लड़ रहा है, हम लोग उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जब मौका मिलेगा तो हम इस लड़ाई को, चाहे अभी तो हम लोग सड़क पर हैं तो सड़क पर आवाज उठाए। सर आप भी सर लालू जी के, माफ कीजिएगा, नीतीश जी के साथ रहे हैं, धानुक एक टांग पे खड़ा होके सब दिन नीतीश जी को वोट दिया है, पर वही धानुक को नीतीश जी क्यों शोषित कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। या फिर ऐसे नेता नहीं है जो नीतीश कुमार के साथ रहते हैं मगर खुल के बोल नहीं पाते हैं, विधानसभा में नहीं आवाज उठा पाते हैं धानुकों के लिए। उन नेताओं पे भी तो सर प्रश्न चिन्ह उठता है जो भी नेता धानुक समाज से आगे बढ़े हैं। जिस खेत में रखवाल होता है ना डंडा ले खड़ा, उस खेत में सांड चरने नहीं आता और जिस खेत में कोई नहीं रहता उसी खेत में चरता है। तो आपका कोई रखवाले नहीं था तो क्या हुआ, चरा भैर में। आपका कोई नेता आ रहा, कोई आवाज बनाए किसी को, सब लोग नशा में घूम रहे थे कि हम कुर्मी हैं। तो नीतीश जी ठीक से बता दिए जो देखो हम कैसा कुर्मी तुम है। चलिए सर आपने खामियां बता दी, पर ऐसा कोई नेता भी तो रहना चाहिए जिसको कि धानु समाज बोले कट्टरता के साथ कि ये हमारा नेता है, हमारे साथ सही किया, पर जिनको भी आगे बढ़ाया सभी ने धोखा दिया है सर, मायूस हो गए हैं। आपका उम्र कितना? 30 साल सर। 30 साल कौन धानु के नेता बनाया? धानु नेता बने बुझते नेता बनाया सहनी समाज के लोगों ने। जी सर। उस समाज में MLA भी है, MP है, लेकिन एक लड़का को मान लिया वो जात के हमारा नेता है।
है अभी नेता, वो कहता है अपने समाज को जो वोट देना था देगा नहीं तो नहीं देगा। पासवान समाज के लोग अपना नेता बनाया, वो कहता है यहाँ आए कह के जो वोट दो बाढ़ में मुंगेर में, तब देखता है, नहीं कहेगा तो नहीं देगा। इसलिए चिराग पासवान का अगरबत्ती जला रहे हैं दोनों तरफ से। अरे दोनों ने जब वैल्यू होगा तो मार्केट में बहुत लोग गहकी आता है, जरा कोई हमको कहा कोई पूछने आता है। आप अपने समाज के लोगों को ताकत नहीं दिए, ये समाज के लोगों ने नहीं दिया, कोई नेता नहीं बना है, नेता समाज बनाता है और आप बनाए ही किसी को नहीं। हम यदि अभी लड़ रहे हैं तो अपने दम पर लड़ रहे हैं, कोई समाज का सहयोग नहीं है। हम जो इतना उठा रहे हैं नीतीश कुमार के सवाल पर, धानुकों का सवाल उठा रहे हैं, हम अपने दम पर कर रहे हैं। आप भी जिस दिन अपना नेता चुन लीजिएगा बिहार में, और आपसे वोट कम मांगेगा, आपके नेता से मांगेगा, आपका नेता घाटा नफा देकर डिसीजन लेगा। वैसा करने में जिस दिन धानुक सफल होगा उस दिन धानुक का राज हो जाएगा। सर युवा जग रहे हैं, आपकी बातों से हम भी प्रभावित हुए थे। सर एक लार सवाल है, धानुक समाज को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या धानुक समाज को आगे अब बढ़ना चाहिए, अपनी पार्टी बनानी चाहिए? देखिए समय बदल गया, जमाना बदल गया जी। नए पीढ़ी के लोग पहला समाज नहीं है, पहला धानुक समाज था, गाछ के नीचे बैठ कर खैनी खाते रहता था, थूक फेंकते रहता था जी। अभी धानुक का बच्चा गूगल खोल के देखता है, नीतीश और लालू और मोदी सबके खेल समझता है। इसलिए जिस दिन आपको भी देख रहा है सर, आपसे भी लोग इंप्रेस हो रहे हैं कि आप खुल के बोल रहे हैं कि हम कुर्मी नहीं धानुक हैं। अरे हम धानुक है ये हैं तो हम पागल हैं जब कहेंगे कुर्मी है। आपकी बातों से लोग सब प्रभावित है जो हम धानुक हैं जी, और हमको बोलना पड़ता है हम धानुक। इसलिए हमारे लोग जो लेबल होता है ना, हमारे पीठ पर कुर्मी के लेबल साट दिया, और जितना हमारी पूंजी है कुर्मी के, नीतीश बेच लिया पटना और दिल्ली में। अच्छा भगत जी को जिस तरह से फंसाया जा रहा आर्म्स एक्ट में, इस पे क्या आपका राय है? देखिए भगत जी जो एक ताकतवर लोग है इस समाज में, मजबूत आदमी है, इस आदमी को डराए के धमका के चुनाव आ रहा है, उसको यूज करना चाहिए। जो धानुक में आगे बढ़ेगा उसको हम दबा देंगे, दबा देंगे, हम जो कहेंगे सुनेगा। इस जेल में सर, जेल में कैसे सरेगा? हम तो कहे यदि यहाँ आनंद सिंह कहता है बाहर में जम लेता है, यादव लोग कहता है जम लेता है, उस दिन जिस दिन भगत हम लोग साथ रहेंगे चौक पर कहेगा हम भी धानुक के नेता हैं, हम जिसको चाहेंगे उसको धानुक का वोट मिलेगा, उस दिन सब केस खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ राम मदन राय जी थे, इन्होंने साफ तौर पे बोला मुखर होके कि भैया कहीं ना कहीं दोष हमारे समाज के अंदर है, हमारे समाज के लोग ही नेता बनाना नहीं पसंद करते हैं। उन्होंने जिसको नेता बनाया था 17 सालों तक बिहार के धानुकों का शोषण किया है, आरक्षण की बात करने की तो दूर है, वो सिर्फ आपको वोट बैंक और बपौती बना के रख दिया। अगर आप जागना चाहते हैं तो अपने लिए नेता बनाइए, अब समय आ गया है कि धानुक समाज भी आगे बढ़ के अपने लिए एक पार्टी का कहीं ना कहीं गठन करे, कट्टरता दिखाए। इन्होंने उदाहरण भी दिया जिस तरह से सहनी समाज के लोग अपने एक लीडर को नेता मानते हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान भी उनके समाज के लोग उनको नेता मानते हैं। धानुक समाज के लोगों को भी सोचना पड़ेगा, कट्टरता के साथ सोचना पड़ेगा कि आखिर वैसा कौन सा बंदा है जिसको कि हम नेता बनाए, जिसके लिए हम कट्टर रहे, जिसके लिए हम सरकार से ईंट से ईंट बजा सके। आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें, आखिर कब धानुक समाज आगे बढ़ेगा और जागरूक होगा।